हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका त्यागी और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज किचन में। तो आज की हमारी रेसिपी है बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने की, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट से बचे हुए चावलों के इस टेस्टी नाश्ते की रेसिपी को। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्राइंडर जार के अंदर 1.5 कप बचा हुआ चावल डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। तो अभी मैं इसके अंदर यहाँ पर केवल 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। साथ में हम इसके अंदर यहाँ पर ये 1/2 कप दही डाल देंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसके अंदर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके अंदर थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए और उसके बाद में आप इसके अंदर नींबू का रस डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और बहुत ज़्यादा पतला मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया है, थोड़ा दरदरा सा मैंने इसको पीस कर तैयार किया है। तो इस चावलों के पेस्ट को हम यहाँ पर एक बड़े से बाउल के अंदर निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी सब्जी ऐड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो गाजर, बीन्स, जो भी सब्जियाँ आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। आप चाहे तो इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं या फिर लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हो। साथ में हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, आप चाहे तो साबुत जीरे की जगह पर जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। मसाले भी आप अपनी इच्छा अनुसार जो मसाले आपको ज़्यादा पसंद है आप डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैंने यहाँ पर रेडीमेड पेस्ट का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश का इस्तेमाल करें। अब अगर आपको इसके अंदर नमक की कमी लगती है तो आप डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इसके अंदर थोड़े नमक की कमी लगी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम चेक करेंगे कि अगर ये आपको थोड़ा थिक लगे तो आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा पानी डाल सकते हैं या फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी दही और डाल सकते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी को एकदम परफेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच पानी इसके अंदर डाल दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर आपका इस तरीके का होना चाहिए। इसे आप बहुत ज़्यादा थिक भी ना रखें और बहुत ज़्यादा पतला भी ना करें। अगर ये पतला होगा तो हम इसको यहाँ पर ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करने वाले हैं, तो ये ब्रेड के साथ में जैसे ही हम लगाएंगे तो ब्रेड इससे सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर ये थिक रहेगा तो ये अच्छी तरह से नहीं पकेगा। तो इस तरीके से आप इस मिक्सचर को तैयार करें और उसके बाद में आप इसको इस तरीके से ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दें। इतने मिक्सचर को आप 8 ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको चावल ब्रेड टोस्ट का भी नाम दे सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड को अच्छे से तैयार कर लिया है और अब इसे सेकने के लिए यहाँ पर मैंने अपने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तवे के ऊपर हम हल्का सा बटर अप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पर ब्रेड को सेकने के लिए बटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरफ हमने मिक्सचर लगाया है तो उस तरफ से हम इसको उल्टा रख देंगे। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप इसको इस तरीके से तवे के ऊपर रख दीजिए। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको एक तरफ से 5 मिनट के लिए हल्का सा सेक लेंगे। एक दो बार आप इसको इस तरीके से पलटे से हल्का सा दबा दें ताकि ये मिक्सचर जो है वो ब्रेड के साथ में अच्छे से चिपक जाए। वो जैसे ही एक तरफ से सिक जाए तो उसके बाद में हम इसको इस तरीके से टर्न कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर इसके ऊपर आया है। फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ पर नॉनस्टिक की तवे पर बना रही हूँ। अगर आप इसको लोहे के तवे पर बना रहे हैं तो फिर आप अपना तेल या घी जो भी इस्तेमाल करते हैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब इसे दूसरी साइड से भी अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक कर तैयार कर लेंगे। इसे सेकने के लिए गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, तभी जो ये नाश्ता है तो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड से भी अच्छे से पक कर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे। मैंने इस नाश्ते को बहुत ही हेल्दी बनाने की कोशिश की है। आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में लीजिए, बच्चों के टिफ़िन में सर्व कीजिए या फिर आप इसे इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। आप इसे किसी भी तरह की चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं या फिर चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। आप लोगों के लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाया करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए
आप मेरी वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस बेल बटन को ज़रूर दबाइए, इससे मैं जो भी न्यू रेसिपी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगी, और ये बिल्कुल फ्री है, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। और अगर आप मेरी पहले दी गई सभी रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं, इसके लिए आप मेरी वीडियो के नीचे दिए गए सैरो पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, आपको एक लिंक नज़र आएगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी पहले दी गई सभी रेसिपीज़ को आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।